नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है रामदेव जी जाट। आप कह रहे थे जालमपुरा। हाँ। और मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ था? मोबाइल गागेड़ा से। गागेड़ा से तो? हाँ। वो कौन थे? वो मेरे बुआ का लड़का था। ठीक है, उसका तो मोबाइल गुम हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे वो उनके पड़ोसी लेके गए। बिल्कुल पड़ोसी। हाँ। जिसके कैमरे में आप देख रहे थे। हाँ। कौन चोर है? हाँ, वो खुद लेके गया था और मैं आपके यहाँ आया था और आपने लोकेशन बताई थी और हम जाके डायरेक्ट उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा। तो मैंने बोला, आपने बोला था ना अभी ऐसा बोला थाने में जाके। हमने जाके उनको बोला भी 3,000 रुपए देखे है, अगर तूने मोबाइल नहीं दिया, ये नंबर तेरे ही है, तो सुबह थाने वाले यहाँ आ जाएंगे। तो उन्होंने ऑटोमेटिक के सुबह आके मेरे को 6 बजे मेरे बुआ को लड़के को मोबाइल दे दिया। और उस टाइम वो चिल्ला चूट कर रहे थे जो क्या नहीं, पहले तो ऐसे बोल रहा था कि मैंने नहीं लिया नहीं लिया। हाँ। फिर बोला ये देख, ये तेरा ही नंबर है। हाँ। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाँ। तो मेरी बहन मोबाइल लेके चली गई थी। हाँ। और मेरे पास मोबाइल नहीं था। हाँ। तो उसको धमकाया, उसको बोला मैंने भाई। हाँ। हम एफ आई आर दर्ज करा के आए। हाँ। और 3,000 रुपए पुलिस वाले को दे के आए। हाँ। और उन्होंने बोला भाई ये नहीं मानता है ना तो सुबह हम आएंगे। तो वो ऐसे ही हमारे को मोबाइल दे। नमस्कार दोस्तों, सर की कहानी एकदम समझिए कि इनके गागेड़ा निवासी जो क्या लगते हैं बुआ के लड़के उनके घर से एक फोन चोरी हुआ था। फोन गोदा मोबाइल से लिया था इन्होंने। उस फोन के चोरी होने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि अरे सर चोरी हो गया। तो मैंने कहा 15-20 दिन 25 दिन बाद आओ, जो देखते कोई चलाएगा। तो चलाने वाले का मैंने नंबर बता दिया। नंबर बताने के बाद पता चलता है कि जो इनके घर है बुआ के लड़के का, उसके पास वाले घर में ही निकला वो फोन और जो पास वाले घर है उसके सीसीटीवी लगे हुए हैं। वहीं से तो, हम चेक कर रहे हैं और वहीं से चेक कर रहे हैं कि कौन चोर है। और जब लाइट गई ना तभी उन्होंने फोन उठाया। अच्छा। हाँ। तो वहीं से चोर निकले और फिर जब हमने पकड़ के बता दिया कि ये आदमी ऐसे से है तो पहले इनको लगा यार ऐसे होगा नहीं होगा, कैसे मानेंगे। तो जब ये जाकर के बोले तो पहले तो बहुत ज्यादा साहूकार बन गए थे कि हम नहीं देंगे और न हमने लिया न हमारे पास है। और जब पूरी तरीके से आदमी क्या चोरों के ज्यादा पेड़ नहीं होते तो सख्ती के बाद टूट जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 6 बजे इनको पकड़ा गए। ये बात कितने दिन पुरानी हो गई है? ये करीबन मोबाइल गुम होने तो 6-7 महीने हो गए। हाँ। लेकिन मिला अभी 1-1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले मिल गया था। मगर आज ये आए तो ऐसे ही बता रहे थे कि धन्यवाद, इनका वीडियो बनना चाहिए यार भैया। और हमारी दुकान से था, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया इनसे, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं की। और चोरी खुलती है तो मजा आता है। इन्होंने बोला भाई के आप मेरे से बात कराना, अगर थाने में जाओ। हाँ। मेरे से बात कराना, मैं थानादार बन के मैं बात करूंगा और आपका मोबाइल दिलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो सच्चे बता रहा था कि भाई आप चला रहे हो तो कंफर्म है, चला रहे हैं तो पकड़ाना ही है, पकड़ाना है तो बस इनको मोबाइल मिल गया तो खुशियां होती है। और हमारी दुकान से मोबाइल लिया हुआ था, कोई चार्ज नहीं था, कोई मैटर नहीं है। नहीं। मगर जब सुकून मिलता है कि चोर भी पकड़ में आता है, उनको कोई हर्जाना लगा है फिर या नहीं लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा, बस फोन ले लिया हुआ। ठीक है, छोड़ दिया यार, क्या लगाना, मोबाइल आ गया तो क्या बात करना है। इसलिए दोस्तों जुड़कर देखिए खुशियों की दुकान से, सच में खुशियां मिलती है और सारी जेन्युइन है। आप इनको भी पहचान सकते हो। और गागेड़ा जो भैया थे उनका नाम क्या? भागचंद जी जाट है गागेड़ा में। आप उनसे भी मिल सकते हो, सारी घटनाओं को आप कहीं भी कंफर्म करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और खुशियां सच में मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे खुशियों की दुकान गोदा मोबाइल से।